फ्रेंड्स, मैं हूं अलका मानकर एंड वेलकम टू सर्वांग सुंदर। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जल नीति। जल नीति क्या है, इसे कैसे करते हैं, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और क्या इस कोरोना के पैंडेमिक में सच में फायदेमंद है जल नीति हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं जल नीति है क्या। जल नीति एक योगिक शुद्धि क्रिया है। योग शास्त्र में हमारे शरीर की शुद्धि के लिए 6 तरह की शुद्धि क्रियाएं बताई गई है। इसे षटकर्म भी कहते हैं। जैसे आयुर्वेद में पंचकर्मा पंचकर्म के बारे में आपने शायद सुना होगा, वैसे योग में षटकर्म यानी 6 तरह की शुद्धि क्रियाएं होती है। फ्रेंड्स, हम नहाते वक्त हमारे शरीर की बाहर से सफाई तो करते हैं, लेकिन अंदरूनी सफाई नहीं कर पाते हैं, और इसी अंदरूनी सफाई के लिए योग में किए जाते हैं षटकर्म। और ये षटकर्म है धोती, बस्ती, नेती, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो इनमें से तीसरे नंबर पर आता है नेती। नेती का सीधा सा मीनिंग है हमारे नेसल पैसेज की क्लीनिंग, हमारे नाक की अंदर से सफाई करने की क्रिया। ये क्लीनिंग अलग अलग चीजों से की जा सकती है, दूध से, पानी से, सरसों के तेल से या घी से, और भी बहुत सारी चीजें होती है। और इन अलग अलग चीजों से करने के अलग अलग फायदे भी हैं। अगर दूध से करते हैं तो उसे दुग्ध नीति कहते हैं, पानी से या जल से करते हैं तो उसे जल नीति कहते हैं, तेल से करते हैं तो तेल नीति, घी से की जाए तो उसे घृत नीति कहते हैं, एंड सो ऑन। और इन अलग अलग चीजों से करने के अलग अलग फायदे भी होते हैं योग में। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ जल नीति देखने वाले, जो कि सिंपल सा टेक्निक है, सिर्फ सादे पानी से किया जाता है और जो हमें बहुत सारे फायदे भी देता है। इंग्लिश में हमसे बोल सकते हैं एंटेरियर नेसल क्लीनिंग या एंटेरियर नेसल वॉश। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सिंपल सा टेक्निक जल नीति का। इसके लिए हमें एक ऐसा सिंपल सा लोटा चाहिए जिसको ऐसा नोजल हो, यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग हो, इसे नेती पॉट कहा जाता है। इसमें हम पानी भरेंगे। अगर ये नहीं है तो आप सिंपल सा कोई स्क्वीज बॉटल भी ले सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो घर पे आप DIY करके इस टाइप का पॉट बना सकते हो। बहुत सी बार हमारे घर में ऐसे स्टील का पॉट होता है जो पहले घी परोसने के लिए यूज किया जाता था, आप उसे भी यूज कर सकते। ये पॉट आपको आपके आजू बाजू में कहीं पर भी मिल जाएगा। आपके आजू बाजू में योगा सेंटर से, नेचुरोपैथी सेंटर से या मेडिकल्स में मिलेगा, या ऑनलाइन भी आप इसे खरीद सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा महंगा आता है। तो हमें इसमें पानी फिल करना होता है। इसमें हमें गुनगुना पानी लेना होता है, गुनगुना यानी ल्यूक वार्म वाटर फिल करना होता है। इसमें थोड़ा सा नमक डालिए, सॉल्ट डाल सकते हैं। सॉल्ट क्यों डालना है कि सॉल्ट से और भी हमें ज्यादा फायदा मिलता है। सादे पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट डालेंगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सॉल्ट में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हम इसमें सॉल्ट ऐड करके करते हैं। देखते हैं ये प्रोसेस कैसे करते हैं। अभी जल नीति का सिंपल सा टेक्निक एक्चुअली है क्या, इस पॉट में जो पानी है उसको एक नोस्ट्रिल से अंदर डालेंगे तो वो दूसरी नोस्ट्रिल से बाहर आना चाहिए, और फिर इस नोस्ट्रिल से डालेंगे लेफ्ट वाली से तो वो राइट से बाहर आना चाहिए। यहाँ से डालेंगे यहाँ से पास होना चाहिए, यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से पास होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे नोज का अंदर का क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगा, अंदर का पैसेज अच्छे से साफ हो जाएगा, और अंदर कुछ वायरस है या बैक्टीरिया है तो वो भी पानी के साथ वॉश आउट हो जाएंगे। ये जो जल नीति आप दो टाइप से कर सकते हैं, या तो आप खड़े रहकर कर सकते हैं आगे थोड़ा सा झुक कर, या दूसरा टाइप है आप नीचे बैठकर कर सकते हैं। मैं दोनों भी टाइप्स आपको दिखा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि हमारी कौन सी नोस्ट्रिल ओपन है। ऐसे हाथ करना है, ऐसे हाथ करने से आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरफ से सांस ले रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम एक ही नोस्ट्रिल से सांस ले रहे होते हैं, कभी इस साइड से कभी इस साइड से, और बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम दोनों साइड से सांस ले रहे होते हैं। तो जिस साइड की हमारी नोस्ट्रिल ओपन है, जिस साइड से ज्यादा एयर पास कर रहे हैं, इन और आउट कर रहे हैं, उस साइड से हमें जनरली स्टार्ट करना होता है। और जब आपकी दोनों नोस्ट्रिल ओपन है, दोनों साइड से आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हम देखते हैं कि खड़े रहकर कैसे करते हैं। अभी मेरी दोनों नोस्ट्रिल एक साथ चल रही है, इसलिए मैं अभी किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकती हूँ। तो अभी मैं राइट साइड से स्टार्ट करती हूँ। ऐसे नीचे से पकड़े, इससे और भी आसानी होगी। अभी मैं यही प्रोसेस लेफ्ट साइड से करूंगी। मुंह ओपन, मुंह से सांस ले। अभी मैं थोड़ा सा कपालभाति करके अंदर अगर कुछ पानी बाकी बचा हो तो वो निकाल लेना है। पहले
पेट अंदर करके जोर से सांस को बाहर फेंकना है। थोड़ा सा इस साइड। अभी देखते हैं इसका दूसरा टाइप जिसमें हमें बैठकर करने वाले। देखिए एक पैर हमारा नीचे रहेगा, एक पैर ऊपर रहेगा, ऐसे बैठना है हमें हनुमान जी की तरह। अभी मेरी दोनों साइड से सांस चल रही है इसलिए मैं किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकती हूँ। देखिए हाथ ऐसे रखेंगे, लोटा ऐसे नीचे से पकड़ेंगे, ये पॉट ऐसे नाक में पूरी तरह से लगाएंगे, दूसरी साइड से पानी बाहर आना चाहिए। यही प्रोसेस दूसरी साइड से, दूसरा वाला पैर ऊपर करेंगे, ये पहला वाला नीचे। ये दोनों साइड से हो गया, अब हमें कपालभाति कर लेना है। थोड़ा सा इस साइड ट्विट होके, क्योंकि अंदर अगर साइनस में कुछ पानी गया हो तो वो बाहर निकल आएगा। अभी इस साइड ट्विट होके कर ले थोड़ा सा। अब देखते हैं जल नेति के क्या क्या फायदे हैं। अब देखते हैं इसके फायदों के बारे में। देखिए इस कोरोना के पैंडेमिक में, इस कोरोना काल में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आप तो जानते हैं कोरोना वायरस हमारे अंदर एंट्री कहाँ से करता है, या तो वो आग से एंटर करता है या नाक से एंटर करता है। अगर नाक से एंटर करता है तो भी वो सीधा हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाता है, एक दो दिन तो वो हमारे नाक के अंदर नेसल पैसेज में होता है, म्यूकस के अंदर होता है। और अगर उसी समय पे हम नेसल क्लीनिंग करते हैं, इस टाइप की जलनेति करते हैं, तो वो म्यूकस के साथ वॉश हो जाता है। यही सिंपल सा टेक्निक है जलनेति के पीछे। इसलिए जलनेति अगर हम रेगुलर करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है कोरोना से बचने का। और देखिए फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे नाक से, हमारे नोज से। और कोरोना जैसे बहुत से वायरसेस और बैक्टीरिया का एंट्री पॉइंट भी हमारा नोज ही होता है। इसलिए अगर हम हमारी नाक को क्लीन रखते हैं, हमारे नाक का इंटीरियर हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो आगे के रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स जैसे कि नेसल कैविटी, विंड पाइप, ब्रोंकाई, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स, ये सारे पार्ट्स एकदम स्वस्थ रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने का ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। अब देखते हैं अगला बेनिफिट कि कोरोना को भूल जाए, कोरोना को छोड़कर इसका बेनिफिट, इसके और भी क्या क्या बेनिफिट्स है। ये हमारा बहुत ही पुराना टेक्निक है, हमारे पुराने ऋषि मुनि योगी ये टेक्निक तो हर रोज यूज करते ही थे। तो ये क्या क्या फायदे देता है, देखिए जिनके नाक का बोन बढ़ता है, नाक में पॉलिप्स यानी गांठ हो जाती है, जिन्हें साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, एलर्जी वाली सर्दी होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या हमेशा सर्दी खांसी जुकाम की समस्या है, स्ट्रेस है, टेंशन है, या आंखों की या ब्रेन की प्रॉब्लम है, इन सभी में जलनेति बहुत ही फायदेमंद है। जलनेति रेगुलर करने से इन सारे प्रॉब्लम से बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब देखते हैं जलनेति के नुकसान क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, ये बहुत ही सेफ और सिंपल टेक्निक है। इसे सिर्फ आपको सही तरीके से करना है, तो थोड़ा बहुत गलत हो भी जाएगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अब देखते हैं हमें जलनेति करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको सही तरीके से करना है, आगे झुककर या खड़े बैठकर, जैसे कि मैंने बताया है, हेड को हमारे अच्छी तरह से टिल्ट करना है, प्रॉपर एंगल में टिल्ट करना है। अब जलनेति होने के बाद हमें कपालभाति करना बिल्कुल नहीं भूलना है।
कपालभाति से क्या होगा कि गलती से अगर पानी आपके सर में जाता है या साइनस में घुस जाता है तो वो भी पूरी तरह से बाहर निकल आता है। और इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही सिंपल सी क्रिया है, हर कोई ये कर सकता है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक दो बार करने से आप इसमें बहुत ही आसानी से एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इसमें अगर शुरू में आप थोड़ी गलती भी कर देते हैं, पानी इधर उधर चला जाता है, तो भी इसमें कोई हार्म नहीं है, इट्स अ कम्प्लीटली हार्मलेस प्रोसेस। वो पानी अपने आप कपालभाति करने से निकल जाता है। सिर्फ जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको नाक के अंदर थोड़ा सा झिनझिनाहट जैसा महसूस होगा, लेकिन दैट्स अ वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम। या नाक से थोड़ी देर तक पानी गिरता रहेगा, इट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और आपको और क्या क्या सावधानी बरतनी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, नमक वाला पानी लेना है, लेकिन पानी का टेम्परेचर जरूर चेक करें। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गर्म पानी आपने ले लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पानी का टेम्परेचर जरूर चेक कर ले। और हाँ, पानी एकदम साफ सुथरा हो, अगर आपके यहाँ फिल्टर है तो अच्छी बात है, आप फिल्टर का पानी ले सकते हो, या नहीं भी है तो पानी उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही जलने की प्रोसेस के लिए यूज करें, ताकि अच्छा क्लीन और सेफ वाटर अंदर कहीं जाएगी तो उससे कोई भी प्रॉब्लम हमें ना हो। और क्या प्रिकॉशन लेना है आपको, आपको चेक करना है कि आपकी सांस किस साइड से चल रही है। तो फ्रेंड्स, एकदम सिंपल सा टेक्निक जरूर ट्राई करके देखें और इसके पूरे पूरे फायदे उठाएं। और ये सब करने के लिए आपको किसी के सुपरविजन की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, आप विदाउट एनी सुपरविजन की अपने आप भी कर सकते हैं। एक दो बार ट्राई करने से आप आसानी से इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जलनेती कितनी बार करनी है। देखिए, आप अगर हर रोज बाहर निकल रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आपको बाहर से आने के बाद कंपल्सरी जलनेती करनी है। इससे अंदर कोई भी वायरस जाते हैं तो वॉश आउट हो जाएंगे म्यूकस के साथ जलनेती से। जैसे बाहर से आने के बाद हम कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही हमें जलनेती भी जरूर कर लेनी है। और अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं या आपके घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा रहा है, तो आप जलनेती हफ्ते में एक दो बार करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हर रोज आपका पब्लिक इंटरेक्शन है तो आपको हर रोज जलनेती करनी है। और अगर आप घर में ही हैं, आपको कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा रहा है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको हर रोज करने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में एक या दो बार करते हैं तो भी सफिशियंट है। तो ये थे हमारे प्रिकॉशंस। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जलनेती के इतने सारे फायदे होते हैं, इसका प्रूफ क्या है। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले पुणे के दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर है, डॉक्टर केड़कर, उनकी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, आपने शायद वो वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में उन्होंने जलनेती के बारे में, उसके फायदों के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। क्योंकि योग करने वाले जब लोगों को इस टेक्निक के बारे में, इन शुद्धि क्रियाओं के बारे में, इन षटकर्म के बारे में बताते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन एक पेशे से डॉक्टर व्यक्ति जब ये सब बताता है तो लोग उसको जरूर बिलीव करते हैं। तो आप ये वीडियो भी जरूर देख लें। और फ्रेंड्स, इस पैंडेमिक में जलनेती के साथ साथ कौन से योगासन और कौन से प्राणायाम करने से ज्यादा फायदा मिलेगा, ताकि हमारे सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं, पूरी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये सब आप मेरी दो वीडियोज में देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर भी है और नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, कोई भी महामारी हो वो हमेशा के लिए तो नहीं रहती, एक ना एक दिन वो जाने वाली है, सिर्फ हमें उसका पूरी सावधानी के साथ मुकाबला करना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ हमें हेल्दी खाना भी खाना है। इस चैनल पे मैं आपके लिए हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज भी लेकर आती हूँ, तो ये सब देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।